दोस्तों सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया अगर मुनक्के का पौधा घर पे लगाया जाए तो कैसे लगाया जा सकता है। जी हाँ, आपने सुना होगा मुनक्के कुछ ऐसे होते हैं और किशमिश कुछ ऐसी होती है, लेकिन मुनक्के का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मुनक्का काफ़ी महंगा भी आता है, किशमिश से तो 4-5 गुना महंगा होता है। तो ऐसे में मुनक्के के पौधे को कैसे घर पे लगा के आप खुद मुनक्का तैयार कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पे जानेंगे। और आखिर मुनक्के और किशमिश में फ़र्क क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की मुनक्के वाली वीडियो। तो आप लोगों को बता दूँ, मुनक्का जो होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए पहले। जैसे मेरे पास यहाँ पे मुनक्का है और उस मुनक्के को मैं अगर तोड़ता हूँ तो इसमें से 2 या 3 सीड निकलते हैं, और इसके जो सीड हैं वो काफ़ी बड़े भी होते हैं, बिल्कुल छोटे नहीं होते हैं। और मुनक्के का जो साइज़ है वो किशमिश की साइज़ के मुकाबले 2-3 गुना बड़ा होता है। मुनक्के जो हैं वो भूरे रंग के भी होते हैं और डार्क कलर के अंदर भी आते हैं, काले रंग के भी होते हैं। अब रही बात कि किशमिश जो है ये तो अंगूर से बनता है, और ये कैसे बनता है, कैसे इसकी प्रॉपर खेती होती है, नए ज़माने में आजकल कौन सी मशीनें हैं जो जल्दी किशमिश तैयार कर देती हैं, उस सब को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका थंबनेल कुछ ऐसा है। तो आप हमारी किशमिश से जुड़ी जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, उनके थंबनेल कुछ ऐसे हैं और इस वीडियो के अंत में भी दे दूँगा। लेकिन अगर हम मुनक्के की बात करें तो मुनक्के के अंदर कुछ खास चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो मुनक्का है ना, ये शुरुआत होती है इसकी अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में ही मुनक्के को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, और उस मुनक्के की जो क्वालिटी है वैसी दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। मुनक्के में खास चीज़ क्या रहती है, किशमिश के अंदर तो ये रहा कि आपने किशमिश के लिए जो पके हुए अंगूर थे जिसमें थॉम्सन सीडलेस भी आ गया, जिसके अंदर बीज नहीं है, जिसकी शुगर ज़्यादा है, वो वाले अंगूर लिए और उन अंगूरों को थोड़ा पकाने के बाद जो है आपने तोड़ लिया, फिर इनके शेड होते हैं, उन शेडों के अंदर सुखाया और उसके बाद में किशमिश तैयार हो गई। लेकिन मुनक्के के साथ कहानी थोड़ी अलग है। मुनक्के को क्या होता है, मुनक्के के अंदर एक अनाब शाही करके एक वैरायटी होती है, सीड वाली वैरायटी होती है, जिसके अंदर मोटा जो सीड होता है वो होता है। तो सही मुनक्का जो है वो अनाब शाही का ही बनता है। आप बाज़ार में जब जाएंगे तो अलग अलग रेट के हिसाब से आपको मुनक्के मिलेंगे, लेकिन अच्छा मुनक्का जो है वो 1200 रुपये से 1500 रुपये पर केजी के हिसाब से लगभग आपको मिलेगा, जो अच्छा मुनक्का है। नॉर्मल मुनक्के हैं उनको अलग अलग तरीके से, बड़े वाले जो अंगूर हैं उनसे भी तैयार कर लेते हैं लोग, काले अंगूर से भी कर लेते हैं, लेकिन सही के अंदर अनाब शाही जो वेराइटी है उसी का ही मुनक्का तैयार किया जाता है। और मुनक्के के अंदर खास चीज़ ये होती है कि उसको पौधे से उतारा नहीं जाता अंगूर को, उसको पौधे पर ही पकाया जाता है और पौधे पर ही सुखाया जाता है। तो ऐसे के अंदर अगर आप लोग इसके पौधे को घर पे उगाना चाहें तो उसका तरीका क्या है, देखिए कोई भी सीड होता है उसके बारे में मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सीड 2 प्रकार के होते हैं, इमैच्योर और मैच्योर। जब कोई फल अपने आप को पूरी तरह से पौधे के ऊपर पका ले तो उसका जो सीड है उसे आप निकाल के लगा सकते हैं और वो पौधे के रूप में बढ़ सकता है। तो ऐसे के अंदर आप अगर मुनक्का जो है, मुनक्का जो बाज़ार से लेके आते हैं उसी के सीड को निकालकर गमले में लगाएंगे तो संभव है कि वो लग जाए। आप 7-8 सीड लीजिए, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का थोड़ा सा जो है मटेरियल लीजिए और उसके अंदर लगा दीजिए, कुछ दिनों में उसमें से पौधा निकलेगा और फिर वो बेल के रूप में बढ़ जाएगा। और मुनक्के का कोई अलग प्लांट नहीं होता, होता अंगूर ही है, लेकिन अंगूर की एक किस्म होती है अनाब शाही, और उसी का ही अच्छा मुनक्का जो है बनता है। खैर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, मुनक्का जो है वो हेल्थ के लिए किशमिश से लाख गुना अच्छा होता है, इस बात को भी आप मान के चलिए। मुनक्के का सीड कभी खाना नहीं चाहिए, और जिस पानी में मुनक्का भिगो दे उस पानी को भी पीना चाहिए और मुनक्के को भी खाना चाहिए, लेकिन सीड नहीं खाना चाहिए। खैर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए ABC इंडिया।